नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे 100-100 गज के प्लाट के लिए जो स्कीम आई है उसके लिए आपका गांव का नाम है या नहीं कैसे चेक कर सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं ऑनलाइन, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो बात करें 100-100 गज के प्लाटों में जो स्कीम है उसके लिए फॉर्म शुरू है, तो आपको कैसे चेक करना कि आपके गांव का नाम है भी या नहीं है। अगर गांव के नाम आपका नहीं है तो सीधी बात है, उस लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, नेक्स्ट लिस्ट आएगी उस लिस्ट तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी जिस जिसके गांव का नाम आया हुआ है उन्हीं गाँव के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है haryanakaushal.com, ठीक है। haryanakaushal.com लिख के सर्च करोगे तो ये साइट खुल जाएगी, ठीक है। फोन में खोल रहे हो तो यहाँ से जो साइड में आपके 3 बिंदु दिखाई देंगे वहां से आप डेस्कटॉप मोड कर सकते हो इसका, ठीक है। नहीं तो सीधा फोन में भी खुल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब haryanakaushal.com ऊपर और दोनों, ये दोनों haryanakaushal.com की साइट है, तो इस पे मैं खोल देता हूँ इसको, मैंने साइट खोल दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सरकारी योजना का जो ऑप्शन है, ठीक है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये कम्प्लीट लिस्ट आ गई है सरकारी योजनाओं की, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, ठीक है। चाहे इसमें आपकी जो है वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने की बात हो, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है, फैमिली आईडी है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, हरियाणा ने जो अभी 500 रुपए में गैस सिलेंडर को लॉन्च किया था वो है, सक्षम योजना है, पीएम कुसुम योजना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से जो ये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना है यहाँ से देखोगे तो 6th नंबर पे है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे ये आवास योजना के बारे में जानकारी आ गई है, ठीक है। 13 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया है, 13 अगस्त 2024 को। और यहाँ पे देखोगे नीचे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से आप लिस्ट चेक कर सकते हो। मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको, इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। लिस्ट डाउनलोड करने के बाद आप इसमें अपना गाँव का नाम, ठीक है, देख सकते हैं। जैसे ये भिवानी के अंदर है जो, ठीक है, ये गाँव आ गए, ये तहसील आ गई, ठीक है, ब्लॉक, इसी तरीके से नीचे ये कंप्लीट लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट रहेगी, ये 45 पेजों की लिस्ट है सभी गाँव की, ठीक है। लगभग सभी गांव हैं, जो उस गांव का नाम नहीं आया हुआ वो अपना इंतजार करें, आपका भी जल्द ही जो है इसमें शामिल कर लिया जाएगा, जिस जिस गांव को अप्रूवल दे दी गई थी, ठीक है, तो उन गांव की लिस्ट है, यहां से अपना चेक कर सकते हो। और आपका अगर नाम आया हुआ इस लिस्ट में तो आपको जो है वापिस यहीं पे जाना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी बननी है और वेरीफाई करना है, ठीक है। अभी हमारे गांव का नाम नहीं आया हुआ है तो अभी हम तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो आप यहां से अपनी फैमिली आईडी भरोगे और जिसके नाम से आप लेना चाहते हो, ठीक है, ग्राम पंचायत लिस्ट यहां से भी चेक कर सकते हो आप, जैसे इस पे क्लिक करोगे ये लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। और वहां से भी लिस्ट हमने स्पेशल डाल रखी है, वहां भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो है फैमिली आईडी भर के प्रोसेस करनी है, ओटीपी चला जाएगा और वहां से फॉर्म आसानी से भर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही कोई भी मतलब ऐसी फैमिली आईडी हमें मिलती है जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, जिस गांव का फॉर्म भरा जा रहा है, उस गांव की अगर फैमिली आईडी हमें बीपीएल परिवार की मिलती है तो आपको बिल्कुल बारीकी से फॉर्म भी भर के दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब आप तो अच्छे से समझते होंगे कि जब हमारे गांव का नाम आया ही नहीं हुआ तो हम कैसे भर सकते हैं, ठीक है। हमारे गाँव की तो फैमिली आईडी उठाएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, वहीं लिखा आ जाएगा ग्राम पंचायत विलेज नॉट लिस्टेड, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। और वीडियो कैसी रही कॉमेंट करके जरूर बताना, डिटेल आपको बारीकी से मैंने दे दी है, ठीक है। फॉर्म यहीं से अप्लाई होगा, यहाँ से फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। तो ये जानकारी रहेगी, जानकारी कैसी रही कमेंट करके जरूर बताओगे, अपनी राय जरूर दोगे। और नेक्स्ट वीडियो आप किस योजना के ऊपर लेके आना है इसके बारे में आप जानकारी जरूर देना।